रक्सा के शिवपुरी हाईवे पर आवारा पशु आने से बेकाबू ट्रक ने पुलिस की पीआरबी में मारी टक्कर। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। आपको बता दें, झांसी में बेकाबू ट्रक ने पुलिस गाड़ी पीआरबी को पीछे से टक्कर मार दी। गाड़ी को 50 मीटर तक घसीटा, इसके बाद गाड़ी पलट गई। दो सिपाही गाड़ी में फंस गए। लोगों ने कांच तोड़कर उनको बाहर निकाला। सिपाहियों को मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया। एक्सीडेंट में पुलिस गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा रक्सा थाना क्षेत्र के पास शिवपुरी हाईवे पर हुआ है। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। बुधवार देर शाम को सिपाही पीआरवी गाड़ी से रक्सा टोल की ओर जा रहे थे। थाने से 300 मीटर आगे पहुंचे थे, तभी पीछे से ओवरब्रिज से नीचे आ रहे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया। ट्रक ने पुलिस वैन को टक्कर मारी। इसके बाद पीआरवी गाड़ी ट्रक के आगे फंस गई। हादसे में ड्राइवर कानपुर नगर निवासी हेड कांस्टेबल विजय प्रताप सिंह और प्रयागराज निवासी सिपाही राजेश मिश्रा पुलिस वैन के अंदर फंस गए। टक्कर के बाद आसपास खड़े लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। दोनों सिपाहियों को बाहर निकाला गया। हादसे की सूचना पर पुलिस और टोल एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। दोनों घायल सिपाहियों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। दोनों के सिर और हाथों में चोट आई है। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन बुलवाकर पीआरवी गाड़ी को हाईवे से हटवाया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रक बहुत तेज स्पीड से था, अचानक सड़क पर आवारा पशु आ गया। इससे ड्राइवर ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पाया और हादसा हो गया। रक्सा थाना एसओ परमेन सिंह का कहना है कि आवारा पशु की वजह से हादसा हुआ है। हादसे के बाद ड्राइवर को मौके से ही हिरासत में ले लिया गया। केस दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। दोनों सिपाही खतरे से बाहर हैं।